हम पूरे देवास जिले में हरित देवास अभियान चला रहे हैं और इसके साथ ही पहल की है कि हमें जिले के सभी थाना परिसरों में बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने हैं। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा हम वृक्षों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। हरित देवास के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। यह बात देवास डीएम श्रीकांत पांडे ने खातेगांव थाना परिसर में वृक्षारोपण अभियान के तहत मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान कही। 13 जुलाई से 12 अगस्त तक पूरे 1 माह चलने वाले अभियान के तहत पूरे जिले में 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य है। आपने कहा कि पौधारोपण के साथ पौधों को जीवित रखने हेतु देखभाल व सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आपने मावर व खातेगांव थाना परिसर पहुंचे, जहां आपने वृक्षारोपण किया। इसके पश्चात आप सतवास कांटा फोर्ट थाना परिसर भी पहुंचे, जहां आपने वृक्षारोपण किया। इस दौरान आपके साथ SP चंद्रशेखर सोलंकी, SDM शोभा राम सोलंकी, SDOP निर्भय सिंह के अलावा तहसीलदार अलका एक्का सहित जिले के आलाधिकारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 13 जुलाई शनिवार से वृद्ध पौधारोपण अभियान की शुरुआत प्रदेश के लोक निर्माण एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास से किया। देखिए, हम लोगों ने पूरे देवास जिले में हरित देवास अभियान चला रखा है और उसके तहत चूँकि ये पहल SP साहब की पहल है, तो सारे थाना परिसरों में हम बड़े पैमाने पर वृक्ष लगा रहे हैं और लगाने से ज़्यादा ध्यान इस बात पर दे रहे हैं कि लगे हुए वृक्ष सुरक्षित रहें और हरित दिवस के संकल्प को हम पूरा कर सकें।